देखिए अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट, वो है हमारे पास हेयर। 7x-2y / xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x+7y / xy इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये हमारे पास पार्ट, इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको 1/x और 1/y में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ 7x/xy होगा, ठीक है, फिर उसी तरह से -2y/xy, ठीक है ना। देखिए जब इस तरह से आप इसको, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको आपने कैसे लिखा ना, 8x/xy + 7y/xy। देखिए यहाँ एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। सिमिलरली यहाँ ये जो एक्स वाई है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो हमने सिर्फ इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखें ये एक्स और ये एक्स की जगह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7/y बचेगा, ठीक। फिर माइनस यहाँ से ये वाई और ये वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2/x बचेगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ से ये एक्स और ये एक्स की जगह कैंसिल हो जाएगा, तो 8/ क्या बचेगा, वाई होगा। फिर प्लस ये वाई और ये वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 7/x, ठीक है। तो देखिए अब हम करेंगे लेट 1/x को मानते हम a एंड 1/y को हम मानेंगे क्या, b, ठीक है ना। विच इम्प्लाइज देखिए 7y-7/y था, ठीक है ना, तो हम 1/y की जगह हम क्या डालेंगे, b डालेंगे, ठीक है ना। देखिए 7/y है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखना आप, 7/y है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 1/y, ठीक है ना, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही बनता है, ठीक है ना। तो 1/y को हमने b माना है, तो इज इक्वल टू 7 × 1/y के हमारे पास b है, तो 7 × b करेंगे तो क्या होता है, 7b होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, देखिए 7/y है तो 7 × 1/y, तो 1/y हमारे पास क्या है, बी है, तो मतलब ये 7b हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से -2a, 1/x कितना a है ना, तो 2a हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास होगा 5 के बराबर, ठीक है ना, ये 5 है, ठीक है, किसके बराबर है, 5 के बराबर, ठीक है। ये रही हमारे पास कंसेप्ट फर्स्ट, और फिर यहाँ पर भी वैसे ही करना है, क्या है हमारे पास 8/y, तो 1/y भी है तो मतलब 8b हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7x हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये देखें 15, ठीक है ना, ये रहे हमारे पास कौन सा 15, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको करते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7b-2a इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज 7b इज इक्वल टू 5+2a, ये माइनस का इधर आके क्या जगह प्लस का 2a हो जाएगा, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 5+2a/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 कहाँ चला जाता है, नीचे, ठीक। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम क्या, थर्ड, क्या करेंगे, पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, वी गेट सेकंड हमारे पास क्या है, वो ये है 8b+7x इज इक्वल टू 15, विच इम्प्लाइज 8b कितना हमारे पास, ये अभी निकला है, ठीक है ना, 5+2a/7 कितना है, 7, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है। देखिए सेकंड हमारे पास यही है ना, 8b+, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8b+7a है, ठीक है ना, कितना ये a है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 7a, ठीक है, क्या है ये 7a इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, 8 5 कितना होता है, 8 × 5 करें कितना होता है, 40 होता है, फिर प्लस 8 2 से कितना हो गया, 16a/7+7a इज इक्वल टू 15। देखिए ये एक ब्रैकेट के अंदर था और ये पूरी चीज़ है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, और यहाँ सब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं विच इम्प्लाइज
40 प्लस 16a इंटू वन करेंगे कितना होता है, सेम ही रहेगा, 40 प्लस 16a हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 7 इंटू 7 करेंगे कितना होता है, 49a अपॉन क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 15, ठीक है। विच इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से 40 प्लस 49 प्लस 60 कितना होता है, 65, ठीक है। 65a इज इक्वल टू 15 इंटू 7, ठीक है ना। विच इम्प्लाइज 65a इज इक्वल टू 15 टू 7 करेंगे कितना होता है, 10 7 जो 70 एंड 7 5 जो 35, 70 प्लस 35 करेंगे कितना होता है, 105। तो 105 माइनस करें 40, ठीक है। विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 105 माइनस 40 करें तो कितना बचेगा, ये हमारे पास 65 होगा, ठीक है ना। और ये 65 नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड में हमने इसको क्या करना है, डालना है। तो थर्ड हमारे पास क्या b निकलेगा यहाँ से, मतलब b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू a, a कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। अपान क्या होगा, 7। तो देखिए आप यहाँ पर 5 प्लस 2 वन सा 2 अपान 7 इज इक्वल टू 7 अपान 7 खत्म हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, 1। देखिए यहाँ पर निकला हमारे पास क्या, देयर फॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। अब हमने लेट किया होता शुरू में, सिंस हमें पता है क्या कि हमने माना 1 अपान एक्स को ए माना हुआ है, 1 अपान एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपान वाई इज इक्वल टू बी माना हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 अपान एक्स को हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ, 1 अपन वाई को मैंने क्या माना हुआ बी माना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें विच इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ए कितना हमारे पास 1 है एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, बी कितना हमारे पास निकला है, 1 निकला है। विच इम्प्लाइज तो एक्स इंटू 1 करें क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, x भी हमारे पास आया 1 और y भी हमारे पास क्या आया 1, ठीक है ना। देखिए ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इक्वल टू में आप इक्वल टू के इक्वल टू, ठीक है ना, नीचे वाले नीचे के सामने और ऊपर वाले ऊपर के सामने, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इनको क्या करो, ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना। x इंटू 1 करेंगे x, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसमें भी 1 इंटू 1 किया तो 1, y इंटू 1 करेंगे तो y रहेगा, y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि x हमारे पास 1 निकला और y हमारे पास क्या निकला, 1 निकला, ठीक है ना। तो इस तरह से वो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए रखते हैं इतना ही।